इन दिनों स्वरा भास्कर की फिल्म अनारकली ऑफ आरा काफी खबरें बटोर रही हैं। फिल्म की रिलीज से पहले ही ये फिल्म काफी विवादों में आ चुकी है। अभी हाल ही में फिल्म के बेहद ही बोल्ड सीन्स लीक हुए थे, जिसके चलते इस फिल्म को काफी माउथ पब्लिसिटी हासिल हुई है और अब एक बार फिर ये फिल्म खबरों में है। एज यू नो कि आजकल जब भी कोई फिल्म सेंसर बोर्ड के पास सर्टिफिकेशन के लिए जाती है, उसका विवादों में बन जाना एक चलन सा हो गया है। इसी चलन में अब स्वरा भास्कर की आने वाली फिल्म अनारकली ऑफ आरा भी शामिल हो गई है। दरअसल सेंसर बोर्ड ने स्वरा भास्कर की फिल्म को पास कर दिया है, लेकिन 11 कट्स के साथ। वैसे पिछले कुछ समय से बॉलीवुड और सेंसर बोर्ड के बीच चल रही तनातनी से तो हम सब वाकिफ हैं ही, तो भला स्वरा भास्कर अपनी इस फिल्म के लिए कैसे चुप बैठ सकती थी। जी हाँ, सेंसर बोर्ड पर अब जमकर बरसी हैं स्वरा भास्कर। हाल ही में इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च दिल्ली में किया गया था, जिस इवेंट में स्वरा भास्कर ने जमकर सेंसर बोर्ड को लताड़ लगाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वरा ने कहा कि बॉलीवुड लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन सेंसर बोर्ड उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। सेंसर बोर्ड की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन है। उन्हें किसी को फिल्म में कट लगाने की सलाह नहीं देनी चाहिए। उनका काम होना चाहिए कि वो बताए कि कितने उम्र तक के लोग ये फिल्म देख सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये चलन कहाँ से शुरू हो गया कि वो ये बताएं कि आप फिल्म ये रखो और ये निकालो। मुझे लगता है कि इसके लिए एक डेट होनी चाहिए और पूरे बॉलीवुड को एक साथ आकर सरकार के साथ इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। स्वरा भास्कर ने आगे कहा, जब हम फिल्म में एफ सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो आपका क्या हक बनता है कि आप फिल्म में कट लगाएं? इस देश में जब 18 साल के बाद कोई इंसान शादी कर सकता है, वोट कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, तो क्या वो एक फिल्म नहीं देख सकता है? वेल, स्वरा भास्कर का नाराज होना जायज है, क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए काफी लोगों की मेहनत लगी होती है। आपको बता दें कि ये फिल्म 24 मार्च के दिन सिनेमा घरों में दस्तक देगी। फिल्म को अविनाश दास ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में स्वरा भास्कर के अलावा पंकज त्रिपाठी और संजय मिश्रा जैसे भी कलाकार हैं।